अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सारा फारूकी, योर न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शेप्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स डूज एंड डोंट्स ऑफ वेडिंग सीजन। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं डाइट से रिलेटेड या न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उनको आंसर करूँगी। तो बेसिकली ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि आजकल जो है वेडिंग सीजन चल रहा है और लोगों का ये बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि हम लोग किस तरह से अपनी डाइट को कंट्रोल करें, या इस सीज़न में जो है स्पेशली जब हर दूसरे दिन कोई शादी आ रही होती है, कोई फंक्शन आ रहा होता है, तो हम लोग नहीं कंट्रोल कर पा रहे होते हैं अपनी डाइट को, तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये मैं आज आपको बताऊँगी। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, इट्स ईट बिफोर यू गो। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये इस तरह से है कि आप जो है हमेशा किसी वेडिंग में या किसी फंक्शन में जाने से पहले घर से थोड़ा बहुत खा के जाएं। डोंट स्टार्व योरसेल्फ कि पूरा दिन कुछ नहीं खाया और उसके बाद जो है सीधा वेडिंग पे चले गए और वहीं पे खाया जो भी खाया, ऐसे नहीं करना। घर से हमेशा एटलीस्ट अ बनाना, एन एप्पल, या आप कोई और चीज़, कोई प्रोटीन हार्ड बॉइल्ड एग ले सकते हैं, या फिर आप कोई चिकन पीस ले सकते हैं। एटलीस्ट घर से थोड़ा बहुत खा के जाया करें ताकि वहाँ पे जाके आपको इतनी ज़्यादा भूख ना लगे। उससे ये होगा कि आपकी जो है डाइट भी कंट्रोल रहेगी और आप किसी शादी में बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे। अच्छा, आके वाली पूछ रहे हैं कि हाउ कैन आई कंट्रोल माई टमी। देखिए, इसमें डाइट का तो बहुत ज़्यादा रोल है और एक्सरसाइज का भी। आपको जो है अगर कोई प्लान वगैरह चाहिए तो आप मुझसे जो है आप विजिट कर सकते हैं शेप्स, और मैं आपका जो है प्लान बना दूंगी। उससे जो है आपकी टमी भी कंट्रोल हो जाएगी और ऑफ कोर्स जो है आप फिट भी हो जाएंगे। अच्छा, ओके, फिर हमारा जो है सेकेंड पॉइंट आ जाता है, लुक अराउंड फॉर ऑप्शंस। जब भी आप किसी वेडिंग पे जाते हैं और वहाँ पे जब जिसे कहते हैं खाना जब खुल जाता है, तो उस सूरत में हमेशा ऑप्शंस को पूरी तरह देखें कि वहाँ कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। हमेशा पहली डिश से ही स्टार्ट ना हो जाया करें कि हमने जो है अपनी प्लेट जो है फिल कर ली एक डिश से, उसके बाद फिर जो बाद में एक और राउंड लगा लिया। टेक ओनली वन राउंड, उसी में जो है आप सारी डिशेस का मुआयना कर लें, देख लें कि कौन कौन सी आपके पास डिशेस अवेलेबल हैं, और उसमें से जो है थोड़ा थोड़ा करके अपनी जो है प्लेट को फिल करना स्टार्ट करें। हर डिश में से थोड़ा थोड़ा करके आप ले सकते हैं, एक ही दफा प्लेट को एक ही डिश से फिल नहीं करना। अच्छा, ट्रीट एपेटाइजर्स एज अ मील, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलमोस्ट एवरी वेडिंग में जो है आपके पास सैलड्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि जो एपेटाइजर के तौर पर आपके पास फ्रूट सैलड या वेजिटेबल सैलड, इस तरह के सैलड आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो आप जरूर वहां पे पहले जाएं और अपनी प्लेट को जो है हाफ जो है हाफ पोर्शन जो है उसका, उसमें आप जो है फ्रूट सैलेड या वेजिटेबल सैलेड वो डालें, और जो है बाकी 1/4 पोर्शन जो है उसमें आप अपने दूसरे जो है इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी ग्रेवी 1/4 पोर्शन में डाल सकते हैं, और जो सेकंड 1/4 पोर्शन है उसमें आप राइस इंक्लूड कर सकते हैं। तो अपनी प्लेट को एक ही डिश से जो है आपने फिल नहीं करना। अच्छा, कीप ट्रैक ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप ये चीज़ देख लें कि आप खा क्या क्या रहे हैं। ठीक है, आप जब भी अपनी प्लेट, मतलब जब आप खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं, तो प्लीज़ डोंट टॉक टू मच। आप जो है आराम से बैठ के पहले अपनी डिश जो भी आप लेके आए हैं खाने का, वो आप पहले वो फिनिश करें, उसके बाद आपने जो बातें करनी है वो आप कर सकते हैं। क्योंकि खाने के दौरान हमें पता नहीं चलता, हम लोग खाने के दौरान ज़्यादा खा जाते हैं बातें करते करते, और हम लोग 2-3 राउंड्स भी साथ साथ ले लेते हैं, और फिर बाद में जी पता चलता है कि हमने ओवर ईटिंग कर लिया। सोनिया तारिक पूछ रही है कि मल्टी वाइटमिन से वेट बढ़ता है। नहीं सोनिया तारिक, मल्टी वाइटमिन से वेट नहीं बढ़ता। ये भी आपने उस सूरत में लेनी होती है जब आपकी बॉडी में जो है डेफिशिएंसी हो रही हो किसी वाइटमिन की। ओवर कंजम्पशन ऑफ मल्टी वाइटमिन इज ऑल्सो हार्मफुल, तो आपने ये पहले अपना चेक करवा लें कि आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है, फिर उसके बाद जो है आप मल्टी वाइटमिन जो है ले सकती हैं। अली रजा पूछ रहे हैं कि आई हैव टमी इशू ड्यू टू वेट लॉस, माई टमी इज लाइक अ बबल, कैन यू हेल्प मी आउट। अली रजा, इसको थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करके बताना पड़ेगा कि किस तरह से आपका क्या टमी इशू आ रहा है, तो फिर उस तरह में मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या इशू है। ड्यू टू वेट लॉस, वेट लॉस की वजह से आपको टमी इशू आ रहा है, तो ये आप जरा थोड़ा डिटेल में बताइएगा। अरसलान क्यानी पूछ रहे हैं कैन वी टेक क्रिएटिनिन, यस यू कैन टेक इट। अगर आप जो है ये डिपेंड करता है कि आप किस सूरत में लेना चाह रहे हैं, क्या आपके पास क्या रीज़न है इसको लेने की, तो ये एक डिटेल क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट करके ज़रा पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि कीप ट्रैक ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग, उसमें एक और पॉइंट ये आ जाता है कि ईट स्लो।
अपना जो है जब आप खाना स्टार्ट करते हैं तो प्लीज ट्राई टू ईट स्लो, क्योंकि उसकी एक मेन रीजन ये होती है, सिर्फ घर, सिर्फ बाहर नहीं, घर में भी हमेशा खाने को आराम आराम से खाना चाहिए, क्योंकि उतना आपके ब्रेन को भी अराउंड 15 मिनट्स लग जाते हैं आपके स्टमक को ये बताने के लिए कि भाई इनफ, अभी और भूख नहीं है, मजीद नहीं खाना। हम लोग कई दफा बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं और हम कॉन्स्टेंटली खाते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग फुल हो चुके हैं। तो ट्राई टू ईट स्लो, और वाटर, पानी का इंटेक जो है हमेशा मील के बाद कभी भी नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स वेट करके उसके बाद आप जो है वाटर इंटेक अपना कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके वेडिंग्स में हमेशा जो है आपको कोल्ड ड्रिंक्स और सोडाज जो है ये जरूर जो है वहां पे अवेलेबल होती हैं। वाटर की बॉटल तो वैसे ही भरी की भरी रह जाती है, कोई उसको यूज नहीं करता है, तो कोशिश ये करें कि कोल्ड ड्रिंक्स ना यूज करें, वहां पे बैठ के आप वाटर जो है वाटर की बॉटल यूज कर लें। पानी पानी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सोडाज एंड कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स उल्टा आपका जो है वेट गेन ही करवाएंगी। अच्छा, कैप्सूल रेगुलर, हुमा चौधरी पूछ रही है कि कैन वी टेक एवियन कैप्सूल। हाँ जी बिल्कुल, आप ले सकती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो है एवियन कैप्सूल बिल्कुल रेगुलरली ले सकती हैं, लेकिन इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो है पहले अपना एक दफ़ा चेक करवा लें कि आपको इसकी ज़रूरत है भी सही या नहीं, कि आप ऐसे ही लेना चाह रही हैं। जी माय हार्ट इज फॉर योर टर्न, आई वाज माय टर्न मंथ। सॉरी जिया मलिक, माई वेट इज 108 kg, माई हाइट इज 5.8, हाउ आई लूज माई वेट इन मंथ। अच्छा, 10 to 15 kg। जिया मलिक, एक तो ये है कि आपको जो है अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करनी होगी, अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो एक्सरसाइज स्टार्ट करें, और दूसरा ये है कि आपको एक प्रॉपर प्लान फॉलो करना पड़ेगा, उस सूरत में जो है आपका वेट लॉस हो सकता है। 10 to 15 kg इन अ मंथ, वो डिपेंड करता है कि आपका मेटाबोलिज्म कैसा है, तो उस सूरत में जो है का वेट लॉस हो सकता है। मरियम महबूब, डू यू हैव, मैं फिलहाल जो है इधर शेप्स में ही हूँ, तो आप जो है अगर आपने शेप्स विजिट कर सकती हैं तो आप वहां आ जाएं, तो वहीं पे मैं जो है आपका एसेस करके आपको है प्लान दे सकती हूँ। अच्छा, फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डिजर्ट्स का। डिजर्ट्स हमेशा वेडिंग्स में जो है अवेलेबल होते हैं, खाने के बाद तो लाजमी खीर है या डिफरेंट किस्म की कस्टर्ड्स वगैरह आपके पास अवेलेबल होते हैं। ट्राई नॉट टू गो फॉर द डिजर्ट्स, कोशिश ये करें कि जो फ्रूट बेस्ड डिजर्ट्स हैं वो आप ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 to 3 bites, उससे ज्यादा ना करें। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास टी वहाँ अवेलेबल है तो आप प्रेफर करें कि आप टी ले लें। एक और पॉइंट है जो आप चीज कर सकते हैं वो है कैरी स्नैक्स। हमेशा अपने बैग में जो है ड्राई फ्रूट्स या फिर ग्रेनोला बार्स, इस तरह की चीजें जो है बैग में हमेशा रखें, ताकि जब भी आपको क्रेविंग हो तो उस सूरत में जो है आप ये चीजें यूज कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप वहां पे बिंज ईटिंग स्टार्ट कर दें, या वहां पे जो आपके डिजर्ट्स वगैरह अवेलेबल है आप उन पे जो है फौरन से टूट पड़े और वो खाना शुरू कर दें। अच्छा, अच्छा, हुमा चौधरी इज फॉर टाइटनिंग आवर स्किन एंड एंटी एजिंग। हुमा चौधरी, आई नो आप वो यूज कर सकती हैं, लेकिन प्रॉपर असेसमेंट या किसी डॉक्टर से जिसे कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद उस सूरत में यूज कर सकती हैं, बजाय इसके कि खुद से आप खुद से कोई भी कैप्सूल किसी भी तरह का जो है यूज ना करें, वो ज्यादा बेहतर है। अगर आपने जो है अगर आप मुझे विजिट कर सकती हैं और फिर हम इस बारे में डिस्कस कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है, वो मैं आपको ज्यादा क्लियरली बता सकती हूँ कि आप यूज कर सकती हैं या नहीं। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है ब्राइड्स एंड ग्रूम्स का। अच्छा, ये तो हमने बात की जो बेसिकली जो वेडिंग्स जो अटेंड करते हैं उन लोगों के लिए। अब ब्राइड्स एंड ग्रूम्स जो के जिनका जो है वेट का बहुत ज्यादा इशू होता है, जब भी आपका शादी करीब आ रही होती है तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और हमें इस चीज की फियर लग जाती है कि हमें किस तरह से जो अपना वेट लॉस करना है, बहुत स्पीड से करना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत से लोग स्टार्वेशन मोड पे चले जाते हैं या फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं तो उनका वेट स्टक हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से एक प्लान बनाएं अपने लिए, और उसके लिए 1 to 2 months जो है स्पेयर करें, और फिर जो है आप अपना जो है ट्रैक कर सकते हैं कि आप लोग क्या क्या जो है खा रहे हैं, पोर्शन साइज कंट्रोल करें और साथ साथ एक्सरसाइज जो है वो साथ में कंटिन्यू रखें। अच्छा, इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास ट्रैक योर फूड। अपने जो है हमेशा सैलेड साइड पे ज्यादा रहें, या फिर फ्रूट सैलेड या फिर वेजिटेबल सैलेड, इनका इंटेक ज्यादा रखें, कार्ब्स का इंटेक अपना कम कर दें,
और दूसरा ये कि आपके जो ब्राइडल शॉवर्स या बैचलर्स पार्टीज जो हो रही है उससे पहले, जो वेडिंग से पहले जो आपके फंक्शन हो रहे हैं उसमें अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करें, और केक्स और पेस्ट्रीज का इंटेक जो है वो ना करें, क्योंकि ये आपके अपने हाथ में है कि आप जो है क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं. तो अपना जो है बी चूजी अबाउट इट, ठीक है? बहुत ज्यादा जो है किसी चीज का इंटेक करने की जरूरत नहीं है. ईट ब्रेकफास्ट. कई लोग होते हैं कि वो जो है ब्रेकफास्ट जो है अपना स्किप कर देते हैं, और फिर बाद में ये होता है कि बाद में सेकेंड मील में आपको इतनी ज्यादा भूख लग जाती है कि आपका जिस भी चीज पे हाथ आता है वो खाना शुरू कर देते हैं. तो कोशिश ये करें कि ऑलवेज हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट. उसके अंदर आप ओट्स पॉरेज ले सकते हैं, उसमें फ्रूट्स ऐड कर लें, या अपने लिए बॉइल्ड एग्स यूज कर लें, ठीक है? ब्राउन स्लाइस के साथ आप खा सकते हैं. उससे आपका ये फायदा होगा कि बाकी दिन की जो कैलोरीज हैं वो डिवाइड हो जाएंगी और आपको बाकी डे में जो है इतनी भूख नहीं लगेगी और आपका कैलोरी इनटेक जो है कंट्रोल रहेगा. फिर हमारे पास आ जाता है कि मेक फिटनेस योर प्रायोरिटी. बहुत से ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो है ऑफकोर्स आपकी और भी जो है मसरूफियत है, आपने जो है शॉपिंग पे जाना है और आपने अपने लिए ड्रेसेस डिसाइड करने, बहुत सारे और जो है वेडिंग में वेडिंग सीजन में काम होते हैं जो आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे होते हैं. तो उसके लिए जरूरी है इसको प्रायोरिटी बनाएं इस तरह से कि सुबह सुबह उठ के जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. उस सूरत में ये होगा कि आपका बाकी का दिन जो है डिस्टर्ब नहीं होगा. सुबह सुबह एटलीस्ट अपने लिए 1 आवर निकालें और उसमें जो है आप एक्सरसाइज करें, और उसके बाद बाकी डे में जो भी आपकी रूटीन है उसको आप कैरी आउट कर सकते हैं. ओके, एक और जो है, अच्छा, हुमा चौधरी पूछ रही हैं, अच्छा, माय नेम इज सारा फारूकी, और आप शेप्स जो है कॉल कर लें, उनके जो लैंडलाइन नंबर है उस पर कॉल करें और अपॉइंटमेंट ले लें, तो आप जो है आके वहां पे मुझसे मिल सकती हैं, ठीक है? आई सी यू देयर. अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है टेक योर ब्यूटी स्लीप. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा रात को टाइमली सोएं. जो भी ब्राइड्स एंड ग्रूम्स का खासतौर पे होता है कि सारी सारी रात जागते हैं या फिर टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, सो नहीं पाते हैं, तो आपका पूरे दिन का जो है स्केड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. आपका ब्रेकफास्ट जो है वो लंच पे चला जाता है, लंच डिनर पे चला जाता है, सारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं और भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं. तो उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पुअर स्लीप ऑलवेज लीड्स टू पुअर फूड चॉइसेस. ये याद रखिएगा, जब भी आप कम सोएंगे आप पूरे दिन में जो है आपका फूड चॉइसेस जो है आप हमेशा रॉन्ग चॉइसेस ही लेंगे, और आपका जिस भी चीज पे आ जाएगा आप वो खा लेंगे. तो उससे ये है कि आपका वेट गेन ही होगा, ऑब्वियसली वेट लूज तो नहीं होगा. तो इसके लिए जरूरी है कि 7 to 8 hours एटलीस्ट जो है आप अपना जो है प्रॉपर स्लीप लें, और उसके बाद जो है अपना जो मील की जो प्रॉपर टाइमिंग है, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट के टाइम और लंच लंच के टाइम और डिनर डिनर के टाइम, ये इस तरह से जो है साइकिल को रखें. कभी भी जब भी हमेशा याद रखें कि वेट लॉस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आपकी टाइमिंग. जब भी आपकी टाइमिंग डिस्टर्ब होगी आपका जो है वेट लॉस नहीं होगा, वेट स्टॉक हो जाएगा. उस नो मैटर आप कितना खाते हैं, कम खाते हैं या ज्यादा खाते हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर हमारे पास आ जाता है मैनेज स्ट्रेस. स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है ब्राइड्स एंड ग्रूम्स का, फोर्स होता है इस सीजन में, तो ये तो चीज़ एक ऐसी है जो कंट्रोल नहीं होती है. तो उस सूरत में इसको कैसे कंट्रोल या मैनेज किया जा सकता है, उसमें एक पॉइंट ये है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या योगा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. दूसरा ये कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, तो आप एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. दूसरा ये है कि आप जो लॉन्गर बाथ्स ले सकते हैं, लॉन्गर बाथ्स हॉट बाथ्स लेने से भी जो है आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है. फिर हमारे पास आता है कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. जैसे कि सर्दियों का मौसम है, कई लोगों को प्यास ही नहीं लगती, आपको जो है उस सूरत में भी जो है डिहाइड्रेशन कॉज हो जाती है, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना वाटर इनटेक लाजमी रखें. वाटर बॉटल हमेशा अपने साथ कैरी करें, बेशक आप बाहर जा रहे हैं या शॉपिंग पे जा रहे हैं या कहीं पर भी हैं, वाटर बॉटल हमेशा अपने साथ रखें. ये है कि पानी पीते रहा करें, 7 to 8 glasses तो मिनिमम आप जो है दिन में जरूर लें, ताकि डिहाइड्रेशन भी ना हो और आप जो है दिन में कैलोरी इनटेक भी वो भी कंट्रोल रहे. वो लोग जो पानी कम पीते हैं उनका हमेशा कैलोरी इनटेक उतना ज्यादा होता है. ऑलराइट, आसान क्या नहीं, कैन वी यूज प्री वर्कआउट सप्लीमेंट कंटिन्यूसली? जी हाँ, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं. ओके, किसी और के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज वो पूछ सकते हैं. दूसरा ये है कि ये तो आज का हमारा टॉपिक था, डूज एंड डोंट्स ऑफ वेडिंग सीजन. इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं बाद में भी इस लाइव सेशन के बाद भी इसको जो है रिप्लाई कर सकती हूँ. और वैसे भी डाइट से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं
वो भी आप नीचे कमेंट कर दें और जो है मैं उनका रिप्लाई कर दूंगी बाद में। और वो लोग जिनको डाइट प्लान चाहिए या जिनका वेट लॉस का इश्यू आ रहा है, तो काइंडली आप लोग शेप्स के लैंडलाइन पे कॉल करें और अपॉइंटमेंट ले लें। मैं वहाँ पे जो है 5 डेज जो है वीक के अवेलेबल होती हूँ, तो आपसे जो है मिलके आपकी प्रॉपर असेसमेंट करके फिर उसके बाद आपको बता सकती हूँ कि आपने कौन से मल्टी विटामिन्स आप ले सकते हैं या क्या आपके हेल्थ इश्यूज हैं, उसको भी डील करते हुए आप जो है प्रॉपर प्लान जो है मैं आपको दे सकती हूँ। तो बगैर असेसमेंट किए आई कैन नॉट सजेस्ट यू एनी थिंग, क्योंकि वो सही नहीं होता। हम लोग वैसे ही लोगों को कुछ भी सजेस्ट कर देते हैं और हमें ये आइडिया नहीं होता कि बाद में वो कौन से हेल्थ इश्यूज उनको कॉज कर सकता है। कई लोगों को जो है बहुत ही मेडिसिन या बहुत से जो सप्लीमेंट्स हैं वो उनका गलत असर होना शुरू हो जाता है। तो इसकी ज़रूरी है कि आपकी पहले प्रॉपर असेसमेंट की जाए, उसके बाद आपको कोई और चीज़ सजेस्ट की जाए। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, और अगर आपको जो है कोई प्लान वगैरह चाहिए तो डू विजिट एंड आई विल सी यू देयर। और उसके अलावा ये है कि अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीक मिलेंगे विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।